पार्षद एवं नगर परिषद कर्मचारी अब आमने सामने, आरोप प्रत्यारोपों के बीच बढ़ता जा रहा है विवाद। पूर्व सभापति बोले, अगर हम सब पार्षद ज्यादा परेशान हुए तो सीएम के समक्ष देंगे इस्तीफा। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, नगर परिषद का भ्रष्टाचार न खुल जाए इसलिए बौखला गए हैं कर्मचारी। नगर परिषद धौलपुर में कर्मचारियों और पार्षदों के बीच का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब नगर परिषद कर्मचारी और पार्षद गण आमने सामने हो गए हैं। एक ओर जहां नगर परिषद कर्मचारियों ने कुछ पार्षदों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और गाली देने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार की कहीं पोल न खुल जाए इसलिए कर्मचारी बौखला गए हैं और पैन डाउन, हड़ताल आदि करके भ्रष्टाचार की जाँच से बचने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर आज गुरुवार को पार्षदों ने रैना होटल पर एक बैठक कर प्रेस वार्ता की, जिसमें पार्षदों ने नगर परिषद कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व सभापति कमल कंशाना ने कहा कि करीब 21 दिन पहले सभी पार्षदगण नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग को लेकर धरने व अनशन पर बैठे थे। अब कहीं बोर्ड की मीटिंग न हो जाए इसलिए पार्षदों पर फालतू के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि पार्षदों को ज्यादा परेशान किया गया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष सभी पार्षदगण इस्तीफा देंगे। प्रेस वार्ता में किसने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था उसके बाद हम 9 दिन हड़ताल पर बैठे। उसके उपरांत कलेक्टर महोदय ने हमारी मांगों को माना। हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे वो हमारे साथ थे। हमारी मांगों के बारे में जो जाँच अधिकारी थे SDM साहब, उनको नियुक्त किया गया। लेकिन आज 21 दिन तक, 20 दिन हुए, अभी तक कोई नगर परिषद के द्वारा फाइलों को वहाँ पर नहीं पहुँचाया गया है। हमारी जो बात हुई है ना, फाइलों को नगर परिषद के दिया कर्मचारी ने दिया जा रहा है। हमारी जो साधारण सभा की बोर्ड की मीटिंग की हमने अर्जेंट एजेंडा बनाया था वो हमने कलेक्टर साहब को दिया था, उसके बाद हमने आयुक्त महोदय को दिया। उस एजेंडे को अभी तक बोर्ड मीटिंग के लिए लागू नहीं किया गया है। और केवल उस बोर्ड की मीटिंग ना हो इस वजह से कार्मिकों की हड़ताल कराई जा रही है। ये विशेष किसी के कहने पर कराई जा रही है। ये इसमें नगर परिषद के कुछ लोग शामिल हैं। हम चाहते हैं, कलेक्टर महोदय से अपील करते हैं, हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से अपील करते हैं कि साधारण सभा की बोर्ड की मीटिंग है वो कराई जाए, जिससे कि सारे मेंबरों की जो परेशानियां हैं वो बोर्ड में चर्चा हो। हम चाहते हैं कि जो नगर परिषद में स्टोर हैं, अभी हमारे सभापति ने बताया स्टोर हैं, विकास शाखाएँ हैं, या टेंडर प्रक्रिया है, या फर्जी पेमेंट उठे हैं, या नौकरियाँ जो नियुक्तियाँ दी गई हैं वो फर्जी तरीके से दी, जितनी भी इसमें इस तरह के घपले हुए हैं उनकी जांच कराई जाए। हम लोग अन्यथा आगे फिर दोबारा से अनशन पर हम कलेक्टर के सामने हड़ताल पर बैठेंगे, या फिर हम लोग अगर ज़्यादा परेशान हो गए तो हम SDM साहब के यहाँ सबके सब पार्षद मिल के इसकी बात देंगे। बिल्कुल, मैं कहता रहूँ साहब, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम सब पार्षद मिल के, हम लोग 40 पार्षद हैं अब तक हमारी बात हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर अशोक गहलोत जी को, हमारे CM मुख्यमंत्री सी साहब को इस्तीफा देंगे। हम लोगों ने नगर परिषद के इसमें सबने एक 9 दिन का एक हड़ताल की थी, उसमें सारी डिमांडों को लेके हमने, जैसे मान लो स्टोर के अंदर इनके अंदर जो घपला था, एक विकास के लिए इनको लेके हमने एक धरना बैठाला था, उस धरने को कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को आश्वासन देके उसको पूर्ण करने के लिए हमको उठा दिया। उसके बाद में आज तक कोई भी डिमांड हमारी नहीं सुनी गई। आज क्या उससे उल्टा हो गया, जो फाइल हम वहाँ कलेक्ट्रेट में मंगवानी थी वो सारे कर्मचारीगण अपनी हड़ताल कर दिए, क्योंकि उन फाइलों को उनको नहीं भेजनी पड़े। आज ये देखिए, आज कर्मचारियों को देखिए, जो कर्मचारी आज एक एक 1.5 लाख का मोबाइल यूज कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं, आज इस घपले को नहीं खुले इसलिए कहकर ये पूरा के पूरा प्रोपेगंडा स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हमारा ये केवल एक डिमांड है कि आज स्टोर के लिए जो घपला हुआ है, जो करोड़ों का घपला हुआ है वो खुल नहीं जाए, इसलिए इन्होंने ये धरना स्टार्ट कर रखा है। हमारा दोबारा हम ये कलेक्टर साहब महोदय से कर रहे हैं, यदि हमारी 2-4 दिन के अंदर ये डिमांड हमारी जो कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है वो पूरी नहीं हुई तो हम आगामी कोई संघर्ष उठाने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। अभी वर्तमान में पार्षद और नगर परिषद कर्मचारियों का जो विवाद चल रहा है वो धौलपुर की जनता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। आम जनता परेशान है और मैं ये मानता हूँ कि इसके पीछे सभापति की राजनीति भी काम कर रही है। जिला प्रशासन जो है इसमें मूक दर्शक बना हुआ है और धौलपुर ही नहीं, बाड़ी के पार्षद भी नाराज चल रहे हैं
और धौलपुर बाड़ी दोनों परिषद इनकी आती हैं धौलपुर जिले में, लेकिन प्रशासक बिल्कुल मौन बना हुआ है। जिला कलेक्टर महोदय कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इस नगर परिषद में पार्षदों द्वारा जो आमरण अनशन हुआ था उसको अब कलेक्टर महोदय ने आश्वासन देकर उसको निरस्त कराया था, हम लोगों को हड़ताल से हटाया था। आज तक 21 दिन में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जितने इनको पत्र लिखे उनमें से किसी की भी फाइल को ना तो SDM साहब को सपोर्ट किया गया, ना ही ये लोग चाहते हैं कि अगर हड़ताल हमने ख़त्म कर दी तो हम सबके घपले को लेंगे, जो स्टोर का घपला है, विकास शाखा में जो घपला है, टेंडरों का जो घपला है, और इस सब को कराने में जो व्यक्ति जिसका हाथ है वो चाहता है कि अगर ये ऐसा हुआ, अगर हड़ताल हट गई, इन लोगों ने कर्मचारी हड़ताल से वापस आ गए, तो ये सारी फाइलें उपलब्ध करानी पड़ेंगी और हमारा भाड़ा ना फूटे, इसलिए इस हड़ताल को कराया जा रहा है। पार्षदों के ऊपर अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है और उल्टे